पूरे विश्व के साथ आईएसपी बर्नपुर में भी 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिन सुबह भारतीय भवन प्रांगण में स्थानीय स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम कक्षा से चौथी, पांचवी से आठवीं तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की तीन श्रेणी में 250 छात्र छात्रों ने हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी तरफ विश्व पर्यावरण दिवस पर एक टैब्लो यात्रा भी निकाली गई, जिसका उद्घाटन आईएसपी के सीईओ श्री एवी कमलाकर ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर किया। इस अवसर पर ईडीएमएम श्री एसपी सिंह, ईडी वर्क श्री ए के सिंह, जीएम इंचार्ज पीएंड श्री के वी आर राजू, जीएम सेफ्टी एंड एनवायरमेंट श्री सुब्रतो घोष, अन्य महाप्रबंधकगण, आईएसपी के पांचों यूनियन तथा आईओए के प्रतिनिधिगण तथा स्कूल के शिक्षक शिक्षिकागण भी उपस्थित थे। इस वर्ष के थीम बीट एयर पॉल्यूशन का संदेश देने के लिए निकाले गए इस टैब्लो यात्रा में बर्नपुर बॉयज हाई स्कूल तथा बर्नपुर गर्ल्स हाई स्कूल ने हिस्सा लिया था। उनके साथ साथ आईएसपी के सीईओ श्री ए बी कमलाकर भी इस यात्रा में शामिल हुए। दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम करने, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने तथा गो ग्रीन ब्रेथ क्लीन का संदेश पूरे बनपुर शिल्पांचल वासियों तक तथा प्लांट के भीतर इस टैब्लो यात्रा के द्वारा पहुंचाया गया एवं उन्हें जागरूक बनाते हुए क्लीन टाउन ग्रीन टाउन माई ड्रीम टाउन तथ्य को सफल बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया। तदुपरांत भारतीय भवन में आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ साथ 20 छात्र छात्रों को श्री घोष ने पुरस्कार प्रदान किए। श्री घोष ने कहा, हमें प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक साथ मिलकर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्य करने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। तदुपरांत सभी छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। अंत में श्री घोष ने उपस्थित सभी को लगभग 100 से अधिक चारा गांठ वितरण किए।